देश में आचार संहिता लागू हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आचार संहिता और धारा 144 की जमकर धज्जियां उड़ाई। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट को बंद कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने खुलेआम भगवा झंडा लहराते हुए जय श्री राम के नारे भी लगाए। पूरे जिले के अंदर एक ऐसी बाढ़ आ गई है कि फेसबुक पे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है, पूरे हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखा जा रहा है, गंदी गंदी बातें लिखी जा रही हैं हमारे समाज के खिलाफ। उसके लिए हम लोगों ने कई बार एसपी महोदय से मिले और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे जिले के अंदर गौकसी चरम पे है, कई बार हमने पकड़वाया है गौकसी करते हुए मौके से, लेकिन उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही गंगेश्वर की कार्रवाई की गई है। मेरा निवेदन है प्रशासन से कि तत्काल उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई हो, गंगेश्वर की कार्रवाई हो, और अन्यथा की स्थिति में हम लोग अभी सांकेतिक यहाँ पे धरना दिया है और अगली बार बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रस्तावित करता था इन्हीं कुछ मांगों को लेकर उनका धरना किया गया है भाई, क्योंकि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है, तो आदर्श आचार संहिता के जो सुसंगत प्रावधान है उनके अनुसार कार्रवाई की।